सो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक एंगल, एंगल के बारे में, ठीक है। एंगल क्या होता है? एंगल हम थ्री टाइप से पढ़ेंगे, एक होता है राइट एंगल, दूसरा होता है कंप्लीट एंगल और तीसरा होता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले एक देखिए, ये डायरेक्शन है, मान लीजिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक। तो ये जो डायरेक्शन है वो एंगल, देखो राइट एंगल क्या होता है, जब हम नॉर्थ से इधर आते हैं, ये इतना पर, दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री, 90 को हम 90 ऐसे प्रेजेंट करते हैं, 90 से, ठीक है, 90। फिर अगर हम ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जब आते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। नाउ अगर फिर हम ये ऐसे और ऐसे पूरा पूरा करके यहाँ पहुँच जाते हैं, यानी मैंने एक पूरे रोटेट कर दिया, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है, ये होता है कंप्लीट एंगल। थ्री टाइप्स के एंगल होते हैं, एक होता है राइट एंगल, दूसरा स्ट्रेट एंगल और तीसरा कंप्लीट एंगल। तो आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है 5.2 में, सबसे पहले बोल रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। यानी आपको कुछ क्वेश्चन दिया है, मान लो एक ऐसे दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है ओ वाई, यहाँ पर है एक्स और यहाँ है जेड, ठीक। अब बोल रहा है कौन सा इसमें स्ट्रेट एंगल है, राइट एंगल है, तो राइट एंगल मुझे सीधा सीधा ये दिख रहा है, ठीक है, और स्ट्रेट एंगल पूरा ये दिख रहा है। स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 डिग्री और कंप्लीट एंगल का मतलब 360 डिग्री, ठीक है। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या होगा, 360 डिग्री, एंड स्ट्रेट एंगल का क्या मतलब है, 180 डिग्री, एंड राइट एंगल का क्या मतलब है, 90 डिग्री, ठीक है, ये मतलब है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन टू हैंड ऑफ अ क्लॉक एट। अब एक क्लॉक बनाएंगे, इसमें बोल रहा है थ्री, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, या 9 है, बोला है थ्री ओ क्लॉक कैसे रहेगा, तो ये कितने एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, यानी वन राइट एंगल, लिख देंगे वन राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है, यही करना है। सेकंड में बोल रहा है सिक्स ओ क्लॉक का मतलब यहाँ ये पूरा है, और सिक्स ओ क्लॉक का मतलब स्ट्रेट एंगल, यानी हम उसको बोल सकते हैं टू राइट एंगल मिलेंगे तभी तो स्ट्रेट एंगल होंगे, और अगर कंप्लीट एंगल बनता है तो यानी 4 राइट एंगल ऐड हो रहे हैं तो कंप्लीट एंगल बनेंगे, तो उसको बोलेंगे 4 राइट एंगल, ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो सीखा इज अ रोइंग अ बोट इन अ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में वो रोइंग बोट वो चला के जा रही है, तो इन विच डायरेक्शन विल सी बी रोइंग द बोट वेन सी टर्न इट्स थ्रू। अगर वो स्ट्रेट लाइन में टर्न होती है, जब टर्न हो जाती है तो स्ट्रेट लाइन में जाती है, तो वो किस एंगल में जाएगी, ये पूछ रहा है। यहां से वो चली और वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक, यानी कहां जाएगी वो, साउथ टू वेस्ट, यानी वो ऐसे जा रही है, मतलब स्ट्रेट लाइन तो ये यहाँ पे ये दोनों पे जाएगी, तो इसलिए हम लिखेंगे साउथ और वेस्ट, ठीक है, आपको बस डायरेक्शन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, कुछ फिगर दिए हैं उसमें नेम लिखना है। सबसे पहला ये फिगर दिया है आपका, दैट इज 90 डिग्री मुझे दिख रहा है, 90 डिग्री है, और अगर ये सीधा है सिर्फ तो ये स्ट्रेट एंगल होगा, यानी 180 डिग्री होगा, ठीक है, और अगर ये पूरा यहाँ ऐसे एंगल बन जा रहा है कंप्लीट, तो 360, तो उसको कंप्लीट एंगल बोलेंगे, ठीक है। सो ये कर लीजिएगा आप, ठीक है, 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा एंगल के बारे में। थैंक यू।